गाइस आप जब भी कभी हाईवे पर ट्रैवल करते हैं तो आप देखते होंगे कि कुछ इस तरह के बोर्ड मिलते हैं जिस पर शहर का नाम और दूरी लिखी होती है। आपने कभी ध्यान दिया हो ज़्यादातर ये हरे रंग की क्यों होती हैं, या जो आप जींस पहनते हैं इसमें जो छोटी पॉकेट होती है क्यों होती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, सभी के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर हम जब कभी बाहर जाते हैं तो हम सभी देखते हैं कि बोर्ड इस तरह के रहते हैं, इस पर जो रहता है ज़्यादातर हरा रंग ही रहता है। हमारे देश में नहीं, कहीं भी ज़्यादातर किसी भी देश में देख लें सब जगह हरे रंग का ही मिलेगा और इस पर सफ़ेद रंग से लिखा होता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए बात कर लेते हैं इस बारे में। गज ऐसा माना जाता है कि जो और रंग होते हैं जैसे लाल है या काला है ये थोड़ा सा आँखों में चुभते हैं, लेकिन जो ये हरा रंग होता है इसको अगर आप देखेंगे तो आंखों पे हमारी बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ता। इसी वजह से सारे बोर्ड हरे रंग के बनाए जाते हैं और उस पर सफ़ेद रंग से लिखा जाता है, क्योंकि जो ये हरे रंग पे जो सफ़ेद रंग होता है इसको आप रात में भी देखेंगे तो हल्के से उजाले में भी आपको ये बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, इसीलिए सारे हाईवे पर बोर्ड हरे रंग के होते हैं। गाइस ये जो हमारा लैपटॉप पर चार्जर होता है इसमें आपने कभी ध्यान दिया हो एक इस तरह की एक उभरी हुई सी गोल सी चीज़ होती है, हालांकि ये अब नहीं आती, जो पहले चार्जर आते थे उनमें होती थी ये, लेकिन जो अब आ रहे हैं उसमें जो ये गोल सी चीज़ है इसको अडेप्टर के अंदर ही एडजस्ट कर देगा, लेकिन पहले ये बाहर ही लगी आती थी पिन से थोड़ा सा पहले। इसका काम क्या था गाइस, इसको बोलते हैं फैड बीड। इसका काम ये था कि अगर किसी कारणवश लाइट गलत आ जाए, मतलब कुछ ज़्यादा तेज आ जाए, हाई वोल्टेज आ जाए और चार्जर हमारा फूक जाए, तो जो गलत लाइट चार्जर से लैपटॉप में जाएगी तो चार्जर भी हमारा लैपटॉप भी फूक जाएगा। तो लैपटॉप को पहुँचने से पहले जो फैड बीड होता है वो उसके अंदर फ्यूज बार होता है, वो फ्यूज बार फूक जाता है और उस लाइन को वहीं पर काट देता है और लैपटॉप को हमारे जलने या फूकने से बचा लेता है। गाइस ऐसा बोला जाता है कि जो हवाई जहाज़ होता है इतनी ऊपर उड़ता है उसमें अगर छोटा सा भी छेद हो जाए तो हवाई जहाज़ पलट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कुछ लोगों ने अगर हवाई जहाज़ में सफ़र किया हो तो ध्यान देना कि हवाई जहाज़ की जो विंडो होती है उसमें ये एक छोटा सा छेद होता है। इसका काम यही होता है कि अंदर की हवा को और बाहर की हवा को बैलेंस कर सके। गाइस आप सभी में से किसी ना किसी ने एक बार इस तरह के शर्ट ज़रूर पहनी होगी जिसमें पीछे ये लूप हो, लेकिन अब तो ये ख़त्म से हो गया, कोई एक आधा पहनता होगा, उसमें भी बस अभी फैशन के तौर पर रह गया, लेकिन पहले ये ज़्यादातर हर शर्ट में देखने को मिलता था। इसका काम क्या था इस बारे में बात कर लेते हैं। गाइस अब क्या है कि अब तो प्रेस वगैरह आ गए हैं और कपड़े की तह बनाकर अच्छे से अलमारी में लगा दी जाती है, लेकिन पहले ये चीज़ बहुत कम थी। तो क्या था कि ये जो लूप है ये खूंटी पर टांगने का काम आता था, प्रेस वगैरह नहीं थी तो शर्ट निकाल ली और इस लूप से खूंटी पर टांग दी। गाइस ये जो हमारे जींस में छोटी जो पॉकेट होती है अब तो इसको हम फैशन के लिए पहन लेते हैं, मतलब है पैंट में लेकिन क्यों है कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, शायद ही कुछ लोग जानते हों, इस बारे में बात कर लेते हैं। गाइस ये जो छोटी पॉकेट बनी थी ये दो कामों के लिए बनी थी जब इसको बनाया गया था। पहला ये कि जो हमारे जो सिक्के होते थे, मतलब खुले पैसे जो होते थे, वो इसमें छोटी पॉकेट में रख लिया करते थे। ऐसा था कि जो पर्स में कुछ लोग अब भी रखना पसंद नहीं करते तो अब भी वो छोटी पॉकेट में रखना पसंद करते हैं, क्योंकि पर्स में रखते हैं तो पर्स उनसे मोटा हो जाता है। और दूसरा काम इसका यह था कि गाइस पुराने टाइम में जो चैन घड़ी होती है ना, वो चैन में छोटा घड़ी का डायल हुआ करता था इस तरह का कुछ, उन्हें रखने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो समय देखने के बाद उसको इसी पॉकेट में छोटी पॉकेट में रख लिया करते थे और कोई जेब वगैरह में, मतलब ऐसा इतनी बड़ी नहीं थी कि उसको जेब में स्पेशल रखने की जरूरत पड़े, वो इसी में आ जाया करती थी। लेकिन अब तो मतलब ऐसा कुछ यूज ही नहीं है इसका, अब तो बस जींस में है, फैशन के तौर पर सभी पहनते हैं। तो गाइस आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।